नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। थोई क्षेत्र में श्रीमाधोपुर कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह शेखावत ने की कई चुनावी सभाएं। जानकारी के लिए बता दें कि भट्ठा स्टैंड से बाइक रैली के साथ दीपेंद्र सिंह शेखावत की चुनावी सभाओं का आगाज हुआ। आज थोई क्षेत्र में चुनावी सभाओं के दौरे पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह शेखावत। भट्ठा स्टैंड से सैकड़ों की संख्या में लोग बाइक लेके पहुंचे चुनावी रैली में। दीपेंद्र सिंह शेखावत का क्षेत्रवासियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। कैंपर कार में सवार होकर दीपेंद्र सिंह शेखावत भट्ठा स्टैंड से बड़ी ढाणी में प्रवेश किए। जानकारी के लिए बता दें कि 23 नवंबर को सुबह 11 बजे दीपेंद्र सिंह शेखावत का चुनावी सभाओं का दौर शुरू हुआ। पुष्प वर्षा की गई कार्यकर्ताओं के द्वारा। उनकी चुनावी सभा में रैली, बाइक रैली निकाली गई। बाइक पे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता दीपेंद्र सिंह शेखावत की कार के आगे चलते हुए नजर आए। ये तस्वीरें हैं बड़ी ढाणी थोई की, जहां पर भट्ठा स्टैंड से बाइक रैली शुरू हुई, जो सरकारी स्कूल के पास पहुंची। वहां पर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने सभा को संबोधित किया। बड़ी रानी की गलियों से गुजरी दीपेंद्र सिंह शेखावत की बाइक रैली। बाइक रैली पर सैकड़ों कार्यकर्ता दीपेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई करते हुए चले। ये तस्वीरें थोई की हैं, जहां पर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पहली चुनावी सभा उनकी बड़ी ढाणी में रही। उसके बाद भरण की ढाणी शिव मंदिर में सभा को संबोधित किया। उसके बाद थोई में अंबेडकर सर्किल पे चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद चौपड़ बाजार में पहुंचे, जहां पर भी चुनावी सभा को संबोधित किया। बड़ी ढाणी में बाइक रैली के साथ पहुंचे और दीपेंद्र सिंह शेखावत पे फूल बरसाए गए। वक्ताओं ने दीपेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ये तस्वीरें सरकारी स्कूल के पास शिव मंदिर के पास की हैं, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित हुए और दीपेंद्र सिंह शेखावत ने भी सभा को संबोधित किया। वक्ताओं ने दीपेंद्र सिंह शेखावत के विकास कार्यों के बारे में भी चर्चा की। श्रीमाधोपुर से भी वक्ता इस चुनावी सभा में उपस्थित रहे। उन्होंने भी दीपेंद्र सिंह शेखावत के बारे में अपने विचार रखे और कांग्रेस सरकार को रिपीट करवाने के लिए दीपेंद्र सिंह शेखावत को वोट देने की बात कही। आइए सुनते हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा। मातृशक्ति, बुजुर्गण, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, बहुत प्रसन्नता है इस बात की एक साथ आपके इतने लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। पिछले 2.5 साल तक या तो अस्पताल में कटी या घर पे खाट में कटी, और डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि बचने की उम्मीद नहीं। भाजपा वालों ने तो एक अफवाह फैलाई कि कैंसर हो गया, उपचुनाव होने वाला है। लेकिन सुन, आप लोगों की दुआ, डॉक्टरों की दवा और ऊपर वाले की दया, उसका परिणाम रहा कि मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए फिर उपस्थित। मैंने 6 महीने पहले कह दिया था मैं चुनाव नहीं लूंगा। मैं अखबारों को कह चुका, टीवी को कह चुका, चैनल को कह चुका, व्हाट्सएप पर आ गया, फेसबुक पर आ गया, जो मिला मैंने उसको भी यही कहा कि अब चुनाव नहीं लूंगा। क्योंकि मुझे बहुत दिया आप लोगों ने, 5 बार को एमएलए बना दिया, केंद्र सरकार में कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बना दिया, लगातार 16 वर्ष तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री उपाध्यक्ष बनाया पार्टी ने, 9 विभाग का मंत्री बना, तब इस्तीफा दिया था, फिर विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। कितना पद, कितना कद, शायद ही किसी को नहीं था। मैं जब अस्पताल में बीमार था, 2 बार गहलोत साहब मिलने आए, और किसी को अलाउ नहीं किया अस्पताल वालों ने, परिवार का एक आदमी अलाउ किया। 2 बार वो घर मिलने आए, तब उन्होंने कहा कि तेरे को क्या जल्दी पड़ी थी इतना जल्दी कहने की 6 महीने पहले कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा गलत साहब, बीमारी की स्थिति आप मेरी देख रहे हो, और
बीमारी के अलावा उम्र भी 72 वर्ष हो गई। उन्होंने हंस के कहा, सुन तू भी बेहतर का और मैं भी बेहतर का हूँ, 5 दिन का ही फर्क है अपने जन्म का। 85 वर्ष का शांति धारीवाल कहता है मैं लड़ूंगा। अमीन खान 90 वर्ष का शिव से लड़ रहा है, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मेरा मन बढ़ गया इसलिए मैंने कहा है। 6 महीने पहले क्यों कहा? मैंने कहा इसलिए कहा कि आप ये नहीं कहो कि मुझे धोखा दे गया, इन टाइम पर लड़ने वाला नहीं मिला। मैं 6 महीने पहले कहूँ किसी को भी लड़ा दो, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, उसके साथ रहूंगा, उसकी मदद करूंगा, आपको मुख्यमंत्री बनाने में जो योगदान होगा करेंगे, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने कहा देखेंगे, अभी ऐसी बात मत कर। मैंने कहा पता नहीं जिंदा रहूँ नहीं रहूँ। तो उन्होंने कहा मेरी तेरे डॉक्टर से रोज बात होती थी, तो मेरा डॉक्टर है वो उनका भी दोस्त। उन्होंने कहा मैं रोज बात करता था, उसने कहा तेरी बीमारी सारी खत्म हो गई है, कोई बीमारी बची नहीं है, केवल कमजोरी है, 4-6 महीने में ठीक हो जाएगी। फिर भी मैंने टाला। मैं गौलव साहब को कह करके आ गया था चुनाव की टिकट की बात चली कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने डोटासरे जी को कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने सचिन पायलट को कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने रंधावा जी को कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो कमेटी आई दिल्ली से, मैंने उसको कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं लड़ोगे? उसके बाद मैं दिल्ली भी नहीं गया टिकट मांगने, न मैं राहुल जी के पास गया, न मैं सोनिया जी के पास गया। खड़गे जी को मैं कह के आ गया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक दिन रात को अचानक 11:30 बजे गौरव साहब का टेलीफोन आया, क्या कर रहा है? मैंने कहा सो रहा हूँ। बोले खड़ा हो। मैंने साहब क्या हो गया? बोले संकट बताओ आप, मैं तैयार हूँ। क्या तेरे को चुनाव लड़ना पड़ेगा? मैंने कहा साहब मैं हाथ जोड़ करके आपको कितने दिन पहले से कह रहा हूँ मैं नहीं लड़ूंगा। लोगों ने अफवाह उड़ाई थी अखबार वालों ने कि अपने बेटे को लड़ाना चाहता है इसलिए पीछे हटता है, खुद के बैठे बैठे बेटे को लड़ाना चाहता है। चलो साहब कोई पता है, मैंने किसी को नहीं कहा कि बेटे को टिकट दो। बेटे ने मेरे से जरूर पूछा कि पापा आप नहीं लड़ो, मैं टिकट मांग लूँ। मैंने कहा तू 48 वर्ष का है, तेरा भविष्य तू जाने, काम तो खोटा है फिर तू जाने तेरा काम जाने। मैं गहलोत साहब को, डोटासरा जी को, खड़गे साहब को जाके नहीं कहूँगा कि बेटे को टिकट दो, देते हैं तो तू जाने, मेरी हिम्मत नहीं। अब मजबूरी में गहलोत साहब ने कहा कि एक एक सीट का झगड़ा है और सरकार रिपीट करनी है, और सरकार रिपीट जब होगी, जब एक एक MLA कांग्रेस का जीतेगा। राहुल गांधी ने सर्वे करवाया है, मैंने भी सर्वे करवाया है, उस सर्वे में ये आया है कि दीपेंद्र सिंह के अलावा कोई जीत नहीं पाएगा कांग्रेस से, तुझे तुझे ये माला पहननी पड़ेगी। मैंने कहा अभी 2 दिन पड़े हैं आपके पास, अभी भी किसी को आप बदल दो। उनका नहीं, फैसला फाइनल हो गया, मुझे आना पड़ा। मैंने आपसे 43 वर्ष पहले आकर के वोट का कर्जा लिया था। हर बार जब मैं जीता हूँ, एक तो माला का हाथ लगे पाते गला में खाद हो जाए, आंख का हाथ लग जाए तो पानी चालू। मैंने 43 वर्ष पहले आप लोगों के बीच में आया था और मैंने कहा था कि कर्जा मांग रहा हूँ। जब जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया जिताया, मैंने आपका कर्जा ब्याज से ही चुकाने की कोशिश की है। कोई कोई नहीं, पूरे श्रीमती क्षेत्र को कितना चूका कितना नहीं चूका ये फैसला आप लोगों पर। पिछली बार जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था, सबसे बड़ी समस्या थी पीने के पानी की। मैंने 100 करोड़ रुपया खर्च करवाया, सड़कों पे 100 करोड़ खर्च करवाया, बिजली के खंभों पे, बिजली के सबग्रेड पे मैंने 100 करोड़ खर्च करवाया था। आपके यहाँ हॉस्पिटल का CSC कांग्रेस ने बनाई है, BJP ने नहीं बनाई। आपके यहाँ सबग्रेड 132 KV का कांग्रेस ने किया है, BJP ने नहीं किया। आपके यहाँ ये ढाणी की जो सड़क है कांग्रेस ने बनाई है, BJP नहीं बनाई। किसी ने पोस्ट कार्ड नहीं डाला था इस सड़क के लिए, किसी ने पोस्ट कार्ड नहीं डाला था मुझे कि हमारे यहाँ की स्कूल सेकेंडरी हो जाए, बताओ किसी ने डाला हो। पानी की समस्या थी, मैंने आपके यहाँ टंकी बनवाई, पैसा सेंक्शन कराया राज का। अब आपके ही नहीं, मैंने कोई आपके परेशान नहीं किया, आपका कर्जा ले गया था उसको चुकाने की कोशिश की। AUN का कार्यालय आपके यहाँ खुला, जिसे बाहर नहीं जाना पड़े। आपको छोटे मोटे काम के लिए DYSP के पास नीमका थाना जाना पड़ता था, मैंने अजीतगढ़ में खुलवा दिया। किसी ने नहीं कहा था अजीतगढ़ के अंदर कि पुलिस का DYSP कार्यालय खुले, किसी ने मुझे नहीं कहा था कि लड़कियों की कॉलेज अजीतगढ़ में खुले आपको फायदा मिलेगा, किसी ने नहीं कहा था तहसील अजीतगढ़ में खुले, किसी ने नहीं कहा था पंचायत समिति अजीतगढ़ में खुल जाए तो उन गाँवों का भला हो जाए। केवल विकास का ध्येय था मैंने करने का प्रयास किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि वोट BJP को दो, मोदी जी को दो। उनसे आप सवाल करो
कि एक ईंट भी विकास के नाम पर थोड़ी पंचायत में धाणी में अगर बीजेपी ने लगाई है, मुझे कह दो, मैं ना चुनाव लड़ूंगा ना आपको शक्ल दिखाऊंगा। केवल मात्र क्या, हम कहते हैं सड़क बनवाएंगे, वो कहते हैं राम मंदिर बनवाएंगे। भाई राम जी का तेली साहब, आपका कह लेना था मोदी जी तेली है, मेरे बाप दादा थे राम जी, लव और कुश में से कुश की औलाद हम लोग हैं जो शेख। लेकिन केवल केवल झांसे कहेंगे 15 लाख रुपए हम आपके खाते में भेज देंगे, 2 नंबर आएगा किसी खाते में। हमने घोषणा की, अशोक जी ने घोषणा की है कि परिवार में जो माता बहन मुखिया होगी बुजुर्ग नौकरी, उसको 10,000 रुपया साल का हम देंगे, जैसे राशन आता है। ये खाली मोदी जी वाली सी घोषणा नहीं है, क्यों देंगे। मैं एक जगह भाषण दे रहा था, 85-90 वर्ष की नौकरी उठी, बात सुनो भाई, उस नौकरी ने कहा उठ करके, भाई तेरो पूत जेवर तेरो भगवान भलो करे। भाई काई बात हुई, फिर तू बार खी ना 10,000 रुपया मिलना साल का मान, वो हाँ मिलना काई करे ली, कहते मेरो आदमी तो आग मोटियार तो हाथ को नहीं, छोरी छापरी आ जाए तो कांच ले आता छोरा का नहीं देखो, थोड़ा मैं दे दूंगी पामस। छोटी सी चीज है, गरीब के लिए बहुत बड़ी चीज है। हमने घोषणा की है, पहले जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था मैंने कानून बनवाया था कि 5 लाख रुपए तक का अगर इलाज होता है सरकारी अस्पताल में मुफ्त होगा और होना शुरू हुआ। उसके बाद आई साहब 5 लाख में कई बार पार नहीं पड़ती, किसी की बड़ी बीमारी है, किसी के कैंसर है, किसी के टीबी है, किसी के और कुछ बीमारी है, 5 लाख से ज्यादा लगता है, 20-20 हजार रुपये 30-30 हजार रुपये महीने की दवाइयां लगती है। हमने उसको संख्या को बढ़ाया और 15 लाख कर दिया। अब गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश का गरीब आदमी राजस्थान आने लगा कि अशोक गहलोत के राज में गरीब को मुफ्त इलाज होता है, 15 लाख में इलाज कराने चलो। SMS अस्पताल की हालत ये हो गई, सरकारी अस्पतालों में सब जगह हो गई। मेरे पास आते थे कार्यकर्ता कि हमारे यहाँ मरीज को खाट नहीं मिल रही, हॉस्पिटल में ICU नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है, कुछ करो। डॉक्टर कहते थे इतनी भीड़ आने लगी हम इलाज नहीं कर पाते। तो फिर हमने फैसला किया कि सरकारी में नहीं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप चले जाओगे तो 15 लाख तक का इलाज फ्री होगा। अब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि गरीब का बेटा मौत तो भगवान देता है लेकिन पैसे के दवाई के अभाव में मर नहीं जाए, 50 लाख तक का इलाज सरकार फ्री करवाएगी। ये घोषणा करने की सोच भी गैस का सिलेंडर छोटी सी चीज है, मोदी जी ने 1100 रुपये कर दिया, जैसे डीजल पेट्रोल के बढ़ाते जाने चुनाव के बाद और बढ़ाएंगे। हमने कहा कि गैस का सिलेंडर आजकल नई बीनी आती है वो भी फूकड़ी से चूल्हे में नहीं फूक मारती, गैस सही है। हमने कह दिया है कि गैस का सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे। उसके बाद बीजेपी वालों में हड़बड़ाहट हुई, मोदी जी ने कहा हम 400 में दे देंगे, लेकिन देंगे किसको, उज्ज्वला योजना को खाली। अशोक गहलोत ने कहा है कि हम 400 में देंगे और 1,04,00,000 परिवार है हर एक को देंगे। न हम ये देखेंगे ये गरीब है, न हम ये देखेंगे ये भगवान है, न हम ये देखेंगे कि AC है, ST है, OBC है या सवर्ण है, हरकत है लोगों में। और बाकी जो पैसा मोदी जी बढ़ाते हैं, जैसे अभी 11 है, 400 में हम देंगे, 1100 में वो देते हैं की बात करते हैं। ये ऊपर का जो पैसा है केंद्र सरकार बढ़ाती है, 700 रुपये राजस्थान की सरकार दे देगी, लेकिन गरीब आदमी को सिलेंडर हम जरूर 400 का देंगे। हमने घोषणा की है कि जो नौजवान बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाएंगे सरकारी में, पहले दिन को लैपटॉप मिलेगा, कंप्यूटर सीखने का होता है, उस कंप्यूटर से सीख करके 50,000 का आता है, वो अपनी जिंदगी में आगे काम करे। ये एक 7 गारंटी का कागज आपको मैं देके जाऊंगा, इसमें हमने तय किया है कि गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं चुका पाता, ये बाद में अभी नहीं गरीब आदमी, अरे भाई शांति सुनो, आपकी बात कर रहा हूं, गरीब आदमी कनेक्शन तो ले लेता, एक लोटिया लगा लेता, गर्मी में बच्चे परेशान होते, मच्छर खाते तड़पते, एक पंखा भी किसी तरह लगा लेता, लेकिन बिल नहीं चुकाया जाता था। गहलोत साहब ने घोषणा कर दी कि हर घर में 100 यूनिट तक बिजली का हम बिल नहीं भेजेंगे।
बड़ी ढाणी में सभा करने के बाद भरनकी ढाणी में सभा हुई, उसके बाद एससी मोहल्ले में सभा हुई और उसके बाद थोई चौपड़ बाजार में दीपेंद्र सिंह ने अपनी सभा में संबोधन किया। घाट में कटी या खाट में कटी, लेकिन डॉक्टरों ने ये कह दिया था एक दिन परिवार वालों को, बच्चों को, कि आज बचना मुश्किल। 10 बीमारी हुई एक साथ, आप लोगों की दुआ थी, डॉक्टरों की दवा थी, ऊपर वाले की दया थी, आप लोगों के दर्शन करने के लिए आज आप लोगों ने भी उपस्थित हुई। मेरा एक डॉक्टर दोस्त पूरा परिवार बड़ा डॉक्टर, उसने मेरे में कहा कि जितने तो अजीब आदमी है, यमराज से हाथ मिला के आ गया, हमने तो आज छोड़ दी थी। बात मजाक की कुछ तो नहीं, मैंने अशोक गहलोत साहब से कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। 6 महीने पहले मैंने घोषणा कर दी थी मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैंने रंडावा साहब को कह दिया, मैंने दत्तात्रेय जी को कह दिया, मैंने हाईकमान को भी समाचार भेज दिया, मैं टिकट मांगने में मैं दिल्ली गया, मैंने एप्लीकेशन दी, मैं तीन जगह पाई। लेकिन चलो सब घर आए थे, मैंने 2 बार रोहतक लाए, 2 बार घर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेरे को इतनी जल्दी क्या थी, ये कहने की इतना नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा एक तो बीमारी की वजह से कमजोरी रही, तो उन्होंने कहा कि तेरा जो डॉक्टर दोस्त है जो इलाज करता है वो मेरा करता है, मेरा भी दोस्त, उससे मैं नियमित बचना था। उसने कहा जितेंद्र सिंह जी को कोई बीमारी नहीं है, कमजोरी है, 4-6 महीने की बात है, कमजोरी मतला। मैंने कहा साहब आपने भी मुझे बहुत किया, पार्टी ने बहुत किया, क्षेत्र के लोगों ने बहुत किया, 5 बार विधायक बने, मैं 1 बार में घर बैठ जाती हूँ, केंद्र सरकार के राज्य मंत्री के बराबर मुझे जोड़ा दिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महामंत्री और उपाध्यक्ष 16 साल से लेकर लगातार राजधायी जराता हूँ कोई को, उसके बाद मंत्रिमंडल में लिया था मेरे को कांग्रेस सरकार ने, उन्होंने सब इस्तीफा दिया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से, मुझे विभाग का मंत्री, उसके बाद केंद्र सरकार ने मोदा मुदा विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया, 5 फुट ऊपर बैठता है विधानसभा अध्यक्ष, और मुख्यमंत्री और विरोधी दल का नेता 5 फुट नीचे बैठता है, इससे बड़ा मेरे क्षेत्र के लोगों को क्या सम्मान दिला पाऊंगा मैं, और क्या है। लेकिन अब मेरा मन नहीं है, उनका क्यों नहीं, मैंने कहा बेहतर तो उसका हो गया। मेरे डॉक्टर ने एक दिन मेरे से कहा पहली बात में यमराज से हाथ मिला के वापस आ गया, हमको तो उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा मेरे साथ में उनकी दुआ, डॉक्टरों की दवा, ऊपर वाले की दया, आप लोगों के दर्शन कर रहा हूँ। मेरे डॉक्टर ने एक बात कही मुझे, भगवान को बहुत मानता है, उसने कहा लेकिन ईश्वर तेरे से कोई अरे काम चाहता है, ईश्वर जानता तेरे से क्या काम लेना है। रात को 11:30 बजे शर्मी का टेलीफोन आया, तेरे को चुनाव लड़ना है, मैं हाथ करके आपको कह चुका नहीं लूंगा, अब आप मुझे बतलाओ। लोगों ने अफवाह उड़ाई कि बेटे को लगना चाहते इसके पीछे हरिया अखबार में छाप किया, मैंने मेरे बेटे को टिकट देना का कभी नहीं था। मेरे बेटे ने पूछा मुझसे कि पापा आपने लोगों में लड़ा, मैंने कहा 44 वर्ष का तेरे भाग्य का बस बच्चों का मेरा कोई लेना नहीं है, पार्टी टिकट देते लड़ो, मैंने कहा लड़ दो, पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसका काम करूंगा, पार्टी का सिपाही हूँ। डोगरा लड़वा इतना मोटा चला नहीं जाता, इतना लड़ता हुआ क्या, मैंने अप्लाई भी नहीं किया, कमीशन मेरा नाम भी नहीं भेजा, किसी नेता को दिल्ली में जाके मैंने कहा नहीं टिकट दो। लेकिन राहुल गांधी ने एक सर्वे कराया था, एक गुरु कंपनी से कोई सर्वे हुआ, कर्नाटक ने वही सर्वे कराया, जो उस कंपनी ने नाम बताया उनको टिकट दे दी, वो जीत गए। हिमाचल में भी ऐसा ही हुआ, तो राहुल गांधी ने जो सर्वे कराया था
इसके आधार पर सर्वे ने यह कहा कि श्रीमती कुशले अगर कांग्रेस को जिताना है बीजेपी को राणा दिवेंद्र सिंह का लाभ नहीं जीतना है। मेरे बस की बात नहीं, मैंने कहा क्यों दो दिन पहले किसी को दे दो, उनका तुमने छह महीने पहले क्यों कह दिया, मैंने कहा इसलिए कह दिया कि आप अंत में ये नहीं कहो मौके पर मेरे को तुमने मेरे को चौका दे दिया, टाइम टाइम पर बताया, पहले कहता था किसी को तैयार कर लिया, मैंने कहा मैं इसलिए किया आपको कि जब मैं टिकट मांगता था मेरे सामने कोई मांगता नहीं था, अब कई मैडम उछल रहे हैं, कई मकोड़े उछल रहे हैं, कई पटकले भी हैं, पटकले भी आ रहे हैं, आप जिसको चाहो दे दो, उनका हाईकमान का फैसला हो गया, मेरे बस की बात नहीं है। लोगों ने अफवाह उड़ाई कि अशोक गहलोत नहीं चाहता दीपेंद्र सिंह को जिताना, ये आपका सरपंच राम प्रकाश गवाह है, इस गांव के बीच में खड़ा इसको पूछ लो, अशोक गहलोत जी के बेटे राव को वैभव का सुसुम यहां आया था, इसको फेंक करके गया, इसने पूछा कि साहब कई माली भी कह रहे हैं और भी कह रहे हैं दीपेंद्र कुमार जी को, उसने कहा कांग्रेस की इज्जत का सवाल है, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री अगर तुमको बनाना है आपके निशान तक पहुंच सकना, इनका धाम आए थे गहलोत जी, मैं तो इसलिए नहीं जा सकता था ये तो मेरे पास टाइम नहीं बचा, मेरे को आठ दिन बाद टिकट दी बीजेपी से, बीजेपी ने तो आठ दिन बाद पंचायत कवर कर दी और मैं रह गया, दस दस गांव है इन पंचायतों में जहां जाना ही संभव नहीं हुआ पंचायत मुख्यालय मेरा अभी तक नहीं। दूसरा, यदि कहीं आम सभा होती है चाहे मेरे क्षेत्र के बाहर ही हो, मैंने उनके पास क्यों नहीं गया, मैं शाहपुरा क्यों नहीं गया, उस सभा का खर्चा मेरे हिस्से में दिया जाता और वो खर्चा इनकम टैक्स वाले मेरे मांड देते, मैं चुनाव नहीं देते, नहीं दे पाता। वहां उन्होंने कहा कि दीपेंद्र सिंह मेरा साथी है, वीडियो देख लिया होगा, उसको चुनाव लड़ना, कांग्रेस की सरकार बनाने से तो जरूरी है, उन्होंने सब जगह कहा कि चौथी बार हमारी सरकार बनेगी, जो विकास मैंने किया जिसका बात कर रहे थे सरपंच जी, जिस दिन मैं पहली बार आया था लड़ने के लिए आपके गांव में, नागर जी को जानता था, उनके पास आ गया, मैंने एक ही बात कही थी 43 वर्ष पहले कि आपका कर्जा लेने आया हूं, हर बार बाहरी व्यक्ति चुनाव लड़ने आता था, जीत कर चला जाता था, पहली बार स्थानीय को टिकट दिया है, लंबी बात नहीं करूंगा, आपका विकास करूं मैं इस बात के लिए आया हूं, और मैंने कर्जा लिया विकास चुकाया, मुझे नागर जी ने कहा था हमारी कोई मांग नहीं, हमारी स्कूल लड़कियों की करवा दी वो मैंने कराई, उसके बाद जब जब कर्जा लिया है मैं चुकाने की कोशिश, सरपंच जी ने कहा बिजली का सबग्रेड बने बना 133 के हॉस्पिटल सीएस से मैंने बनवाई है, क्योंकि आपने लाठी संभलाई थी, लाठी के बल पर कांग्रेस के खजाने से मैं पैसा लाया, आपके यहां टीएन का ऑफिस खुला, एससी के बच्चे गरीब आदमी के नहीं जा सकते स्कूलों में कॉलेजों में, मैंने श्रीमाधोपुर क्षेत्र में श्रीमाधोपुर में एससी के बच्चों के लिए हॉस्टल करवाया, मैंने थोड़ी में हॉस्टल कराया पड़ा, मैंने अजीतगढ़ में हॉस्टल करवाया, क्यों करवाया कि कांग्रेस विकास चाहती है, बीजेपी वाले केवल झांसा देंगे हम राम मंदिर बना देंगे, मैं बात करता हूं बच्चों के भविष्य की, हॉस्पिटल की, स्कूल की, बिजली की, वो कहते हैं राम जी का मंदिर बनाते हैं, इनका राम जी से भी लेना देना नहीं है, राम जी के बाद बेचारे सबसे पहले अग्रवाल जी ने कही थी उसको टांग दिया, मोदी जी तेलिए का राम जी से लेना देना ही नहीं है, राम जी की औलाद तो हम है, राम जी के दो बेटे थे नव और कुश, हम शेखा और जो है वो कल कुश की औलाद है, अब कह रहे हैं रामलीला के हम फ्री दर्शन कराएंगे, अरे भाई रामलीला के दर्शन हर गांव में फ्री होते, तुम क्या कराओगे, हर गांव में राम जी का मंदिर है, दर्शन फ्री होते हैं, कह रहे फ्री कराएंगे, ये वो झांसे देखते हैं। हमने कहा है इस बार कि गरीब हो चाहे अमीर हो, हर परिवार की दुनिया को जो परिवार की मुखिया होगी सरकार 10,000 रुपये साल कर देगी, खुद की चर्चा ये कहते हैं, दो नंबर का पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में है, हम उसको निकाल करके ले आएंगे, नाकों से निकाल लेंगे और 15 लाख रुपए आपके खातों में सबके जमा हो जाएंगे, तो कितने खातों में जमा हो पता नहीं, केवल झूठ के आधार पर, केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, हिंदू एक हो जाओ मुसलमान मारेंगे 16% हो गए, इसको किसने मारा है, देश की प्रगति की बात केवल कांग्रेस सोचती है,
हमने ऐलान किया है 7 गारंटियों का आपने पढ़ा होगा। जो बच्चा जाएगा कॉलेज में पढ़ने, पहले दो सरकारी कॉलेज में उसको सरकारी लैपटॉप देने का प्रस्ताव था, उसी के आगे बढ़े। हमने तय किया गरीब का बच्चा बीमार न इलाज के लिए मर नहीं जाए, 5 लाख तक का हर सरकारी दफ्तर में इलाज नहीं होगा अस्पताल में। फिर लोगों ने कहा कि 5 लाख से काम नहीं चल रहा, हमने घोषणा की 15 लाख तक करेंगे। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ के लोग आने लगे गरीब आदमी के। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने इलाज बहुत कर दिया, क्या 15 लाख रुपए लगे। चलो मेरे पास आते थे यहाँ के लोग, कभी कहते थे खून नहीं मिल रहा ऐसे में, कभी कहते थे बेड नहीं मिल रहा, बिस्तर नहीं मिल रहा, कभी कहते थे आईसीयू खाली नहीं मिल रहा। डॉक्टर ने मुझसे कहा इलाज करते थे तब साथ इतनी भीड़ आने लगी कभी नहीं आई 50 वर्ष में, हमारे बस की बात नहीं। तो हमने छूट दी कि 15 लाख का इलाज अस्पताल में करने की छूट दी है, कोई भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराए वहां भी 15 लाख का छोटे अस्पताल का उनको दिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा करिए कि कोई गरीब का बच्चा ईश्वर वोट देता है उसका भी इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन अस्पताल में दवाई के बिना नहीं मरेगा। और 15 लाख की हमने घोषणा की थी किसी भी अस्पताल में, अब हमारी सरकार ने घोषणा की हमारी सरकार अगर आएगी 50 लाख रुपए खर्चा होगा सरकार के। सरकारी खजाना गरीब का उसका उतना ही हक है जितना हम सबका है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है 2 यूनिट तक गरीब आदमी बिजली का बिल देता है, 1 बल्ब जलाता है या गरीब में 1 पंखा, बिल जमा नहीं करा पाते। हमारी सरकार ने घोषणा की 100 यूनिट तक हम बिल नहीं भेजेंगे, और गांव में लोग जब कहते हैं कि हमारे बिल आरम्भ हो गया। 2000 यूनिट तक किसान का बिल माफ किया है, थोड़ी जमीन है, 2 घंटी चलती है, पानी है नहीं, कहां से चुकाएगा। उस गरीब का भी हमने 2000 यूनिट तक माफ किया। कोई लड़का कॉलेज में जाएगा सरकारी में, पहले दिन भर्ती होते हैं सरकारी कॉलेज में, उस बच्चे को सरकार की तरफ से लैपटॉप दिया जाएगा जिसमें जिंदगी में आगे बढ़ सके। गायों की समस्या थी, लोगों ने 1000 रुपया कुएं के हिसाब से इकट्ठा किया। ब्रजमोहन जी जैसे किसी सेठ को पकड़ा कि गायों के साथ अन्याय हो रहा है, भूखे मर रही है, सड़ रही है, गौशाला चलाओ 1000 रुपया हम दे देंगे। और गौशाला शुरू करी, पूरी काश्तकार लोड करके दिया है कि गायों की क्या हालत है, ब्रजमोहन जी जिंदा करो चलाओ। बाप पे 60% चुनाव लड़ रहे हैं, अगर एक ईंट लगाई हो गई थोड़ी में तो मुझे बता दो। केवल हिंदू एक हो जाओ मुसलमान मारेगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो। हिंदुओं एक हो जाओ पाकिस्तान हमला कर देगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो। मैं तो कोई हमले की हिम्मत करता है, हमला करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने इंदिरा जी के टाइम पर, बांग्लादेश के टुकड़े में करा दिए, मुंह की खाने। ये इंदिरा गांधी में सामर्थ्य था, कांग्रेस के नेताओं में होता है। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं एक तो ये, किसी की ब्रजमोहन जी से नहीं बनती, किसी की रामप्रकाश से नहीं बनती, किसी की अनिल से नहीं बनती, किसी से नहीं। देखो ये आपके गांव के झगड़े हैं, आपके मेरे पास आधी रात को विकास के लिए आओ, सीधे आओ, दलाल की जरूरत नहीं है, मैं आपकी सेवा करूंगा। आपके झगड़े आप जाऊं, मुझे विकास करने दो, इतना ही प्राप्त है। दूसरी मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा ये आत्म चुनाव, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, ईमानदारी से कहता हूं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन चूंकि हाईकमान ने कह दिया तेरे को लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस का दूसरा उम्मीदवार जीत नहीं पाएगा, सरकार बनानी है, तो मेरे गले में गलाम डाल गया। अब मैंने अशोक जी से भी कहा, मैंने कहा बेहतर बस का हो गया, तो उन्होंने कहा मैं भी बेहतर का हूँ, अपन दोनों के 5-6 दिन का ही फर्क। शांति धारीवाल 85 वर्ष का लड़ रहा है, अमीर खान जी बहुत बुजुर्ग हैं, 90 वर्ष के हैं, बाद में चुनाव लड़ते हैं, ऐसी कमजोरी। अब चूंकि लड़ना पड़ रहा है इसलिए आपके बीच आया हूँ। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब अगला चुनाव मैं श्रीबाजपुर में टिकट लेकर गया तो ही मैं आपके पास नहीं आऊंगा, फिर अंतिम चुनाव है। जो कर्जा लेकर के जा रहा हूं उसको तो ब्याज से चुकाने की कोशिश करूंगा।
अगर ईश्वर ने जिंदा रखा स्वतंत्र व्यवस्था हो जाऊंगा 5 साल बाद तो कर्जा चुकाने की जरूर कोशिश करूंगा विकास के रूप में, लेकिन ये मेरा अंतिम चुनाव है। पार्टी कहेगी लोकसभा का प्रचार कर बचाऊंगा, पार्टी कहेगी इधर को उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं कोई जरूरी काम पार्टी का तो कर बचाऊंगा, लेकिन मैं आपके यहां से विधानसभा का चुनाव नहीं। तो भाई लोगों, यदि मैंने कुछ किया है विकास के रूप में, आपका कर्जा अगर चुकाया है तो मेरा अंतिम चुनाव है। आखिर में आप मेरा बुढ़ापे की लाज रख देना, एक बार आशीर्वाद दे देना। मैं ये भी कहता हूँ कई बार इन 2.5 साल खाट में पड़ा रहा, मेरे पास आपके ही लोग आए, मैं विकास के लिए भी कहीं जा नहीं सका, न मंत्री के पास जा सका, न अफसर के पास जा सका, न मुख्यमंत्री के पास जा सका। पत्र लिखे हैं मैंने, किसी ने नहीं कहा था कि अजीतगढ़ के अंदर लड़कियों की कॉलेज बने, यहाँ की लड़कियां फायदा लें, किसी ने नहीं कहा था कि जिला बने, सुरेश जी ने मैंने मिलकर के जिला बनाया, किस आपके नजदीक पड़ गया। किसी ने मुझे ये नहीं कहा था कि अजीतगढ़ में डिवाइस की ऑफिस खुले, किसी ने नहीं कहा था कि हमारे श्रीमाधोपुर में ITI जैसी कॉलेज, श्रीमाधोपुर में भी लड़कियों की कॉलेज, अजीतगढ़ में भी लड़कियों की कॉलेज। अगर खड़ा रहता हो सकता आपके यहां भी कुछ होता। अब मैं ये भी कहता हूं कि मेरे से पास बैठने वाले कार्यकर्ताओं ने हो सकता है जो गलतियां कराई, किसी ने कहा हो ऐसा कर दे वो हमारा नहीं है, किसी ने कहा हो ऐसा मत कर वो हमारा नहीं, हो सकता है मेरे से गलतियां हुई हुई, मेरे परिवार से गलतियां हुई हुई, तो बीमारी की वजह से ऐसा था और ऐसा आया था। अगर गलतियां भी किसी ने कराई है उनकी गलतियों के लिए मैं उनकी तरफ से मेरी तरफ से आपको हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। फिर भविष्य में अब तो मैं चलने भी लग गया, थोड़ी कमजोरी है, अशोक जी ने कहा था मेरी डॉक्टर से बात हो गई, अब तेरी कमजोरी कमजोरी बची, बीमारी नहीं ठीक हो जाएगा 4 महीने, तो कोई शिकायत भी मैं समझता हूँ आपके पास आने वाली नहीं। मैंने जिन लोगों को 43 वर्ष में पाड़ा पोसा तो मैं नहीं कहता, ईश्वर पाड़ता है, लेकिन जो मेरे पास लोग आए मेरी परिस्थिति को देखकर आदमी छोड़कर वो लोग आ गए। कोई उम्मीदवार कहता है मैं खरीद लूंगा वोटों को पैसे वालों को, कोई कहता है कि मेरी जात जोड़ की है मैं बढ़ जाऊंगा, मैंने न तो कभी जात की राजनीति करी है न पैसे की करी है। अगर पैसे की राजनीति करता तो मैं आप लोगों की वाह उपाड़ता पैसे लेकर के, कोई उदाहरण नहीं मिलेगा इस जगह मैंने किसी से 5 पैसे लिए। इसलिए अब इस वक्त मुझे कई मित्रों ने कहा भी बोले तो किस्मत वाला है, जो गंदगी थी वो छट गई, नए चेहरे आएंगे उनका ध्यान रखना। तो मैं यही विश्वास देता हूँ कि अब गंदगी मेरे आसपास नहीं आएगी, आप विश्वास रखना। धन्यवाद जाएगी।